हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की मेरी वीडियो में। आज की जो बेसिकली वीडियो होने वाली है, अगर आप भी अपना जो कि जीमेल अकाउंट का पासवर्ड भूल गए, ठीक है, आप रिसेट करना चाहते हैं दोस्तों, एंड आपके डिवाइस में जो कि आपका जो जीमेल अकाउंट है लॉगिन है, बट आपको चूँकि पासवर्ड पता नहीं कि कौन सा हमारे चूँकि डिवाइस में पासवर्ड लगा हुआ है दोस्तों, तो सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली आपको जीमेल अकाउंट पर अपने क्लिक करना है, ठीक है। आपको अपना चूँकि जीमेल आपको जो ऐप होता है उसको ओपन करने के बाद आपको ऊपर साइड आपको एक आइकन देखने के लिए मिलेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड आपको इसके बाद जिस भी आपको जीमेल अकाउंट का चूँकि आपका पासवर्ड पता करना है या चेंज करना है, सिंपली आपको मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपको चूँकि देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डाटा आपका यहाँ पर ओपन हो चुका है, जो भी आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपके चूँकि जीमेल अकाउंट में सेव है यहाँ पर आपको सारा कुछ देखने के लिए मिलेगा। सिंपली आपको सिंपली मैं आपको इस वीडियो में पासवर्ड के लिए बताने वाला हूँ। सिंपली आपको करना है कि आपको सिंपली सेटिंग जो आपका सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों सिक्योरिटी के रिगार्डिंग यहाँ पर सारा कुछ चूँकि मेंशन किया गया है, ठीक है। एंड इसमें टू स्टेप वेरिफिकेशन भी ऑन है, अगर नहीं तो सिंपली आप इसको ऑन कर लीजिएगा, इससे चूँकि आपका जो कि सिक्योरिटी है वो मजबूत हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको जो हैक होने का खतरा होता है दोस्तों वो हैक चूँकि बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। सिंपली इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको थोड़ा नीचे की ओर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पासवर्ड, ठीक है। एंड चूँकि मैंने इसमें 20 मार्च को चूँकि देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, मैंने लास्ट पासवर्ड जो कि 20 मार्च को ही इसमें चेंज किया गया था, सिंपली मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं। सिंपली आपको सिंपली करना क्या है, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको यहाँ पर वेट करना होगा। एंड यहाँ से आप तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूँकि पासवर्ड नहीं, चूँकि हमें पता नहीं, इसलिए आपको करने का रिसेट करना होगा। सिंपली आपको फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना है, एंड क्लिक करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड आपको चूँकि पासवर्ड जो आपको पासवर्ड लगा रहती है सिंपली आपसे मांगेगा लॉक स्क्रीन वाला पासवर्ड है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं नया पासवर्ड आप आसानी से इसमें क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपको बनाना है, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं इसका चूंकि पासवर्ड सक्सेसफुल चेंज हो चुका है, सिंपली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड इसका पासवर्ड चूँकि चेंज हो चुका है, एंड किस डिवाइस में लॉगिन है दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ शो कर रहा है दोस्तों, ठीक है। एंड सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।